स्वातंत्र्य गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। स्वातंत्र्य गर्व उनका जिन पर संकट की घात न चलती है, तूफानों में जिनकी मशाल कुछ और तेज हो जलती है। स्वातंत्र्य उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है, स्वातंत्र्य रूह की ग्रीवा में अनमोल विजय की माला है। स्वातंत्र्य भाव नर का अदम्य वो जो चाहे कर सकता है, शासन की कौन बिसात पांव विधि की लिपि पर धर सकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वातंत्र्य वीर होने की जितनी शर्तें गिनवाई हैं उन सबको मिट्टी में गूंथकर यदि किसी एक व्यक्ति की प्रतिमा बना ली जाए तो उस प्रतिमा का नाम होगा विनायक दामोदर सावरकर। स्वातंत्र्य वीर, वीर सावरकर। ये नाम सुनते ही मन में कुछ खटकता है ना, कुछ याद आता है, उड़े उड़े से कुछ शब्द कानों में टकराने लगते हैं। ध्यान से सुनिए तो एक शब्द बड़ा स्पष्ट सुनाई देगा, माफी, अंग्रेजों से माफी। जिस युग पुरुष का नाम सुनते ही हमारा सर आदर से झुक जाना चाहिए, उसी के जिक्र पर हमारे मन में 100 प्रश्न सर उठाकर खड़े हो जाते हैं। जिसे सेलिब्रेट करना चाहिए उसी पे हम शक करते हैं, जिसके हिस्से में हमारी अगाध श्रद्धाएं आनी चाहिए उसे हमने अनंत संदेहों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। हमारी पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा छल ये हुआ कि हमसे हमारे महापुरुष छीन लिए गए, हमारे हीरोज चुरा लिए गए और बदले में हमें पुरुषार्थहीन दोगले नायक थमा दिए गए जिनके जयकारे लगाते हुए मेरा और आपका गला सूख गया। हमारे साथ इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है कि हमें सत्य से विमुख कर दिया गया और हमारी अंतरात्मा में सावरकर जैसे भारत भक्त के लिए घोर अंधकार भर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। मेरी वाणी में ईश्वर का दिया हुआ थोड़ा सा प्रकाश है, यही अंजलि भर उजियारा लेकर आज मैं वीर सावरकर के प्रति फैलाए गए गहन अंधकार को चुनौती दूंगा। आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि मुझे ध्यान से सुन लें और फिर स्वयं निर्णय लें कि वीर सावरकर आपके नायक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं कवि हूं तो आज वीर सावरकर का पहला परिचय उनकी कविताओं से देने का प्रलोभन मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा। वीर सावरकर वो हैं जिन्होंने मां भारती की स्तुति में 6,000 कविताएं लिखी हैं, लेकिन कागज पर नहीं, सेल्यूलर जेल की दीवारों पर, कलम से नहीं, कंकर कील और कोयले से। ये कविताएं समाप्त ना हो जाएं, अंग्रेजी तानाशाही का सीमेंट उनके कुरेदे हुए शिला लेखों को निर्लज्जता से मिटाना दे, इसलिए सावरकर ने वो कविताएं रट रट कर कंठस्थ कर ली। वीर सावरकर वो हैं जिनको अंग्रेज सरकार ने क्रांति के अपराध में काला पानी का दंड दिया था। काला पानी की सजा साधारण विद्रोहियों और अपराधियों को नहीं दी जाती, ये सजा सिर्फ डी क्लास के बागियों को, डेंजर क्लास के बागियों को ही मिलती है। सेलुलर जेल भेजे जाने का मतलब था कि अंग्रेज सरकार आपके आगे विवश हो गई है, उसका कोई जोर जुल्म आपको झुका नहीं पाया। एक ही रास्ता है, आपको असह्य यातना दी जाए और बाहरी दुनिया से आपका संपूर्ण संबंध विच्छेद कर दिया जाए, टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। सेलुलर जेल और सावरकर को दिए गए थर्ड डिग्री टॉर्चर का किस्सा मैं आगे सुनाऊंगा, अभी तो बस परिचय की औपचारिकता पूरी कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसका भी डर है कि मेरे कई छोटे भाई बहनों ने सावरकर का नाम तक नहीं सुना है। बाबरों, टीपू सुल्तानों, अकबरों के बाद सिलेबस में इतनी जगह ही नहीं बची कि सावरकर को भी पढ़ाया जाए। लेकिन नॉलेज कभी सिलेबस का मोहताज नहीं रहा, ये वो बीज है जिसको धरती में गाड़ दोगे तो धरती तोड़ के निकल आएगा। अंग्रेजों ने भी तो यही किया था। क्या आपने कभी ऐसी किसी पुस्तक के बारे में सुना है जिसको प्रकाशन से पहले ही बैन कर दिया गया हो, प्रतिबंधित कर दिया गया हो? 1857 का स्वातंत्र्य समर, सावरकर की लिखी हुई यह पुस्तक क्रांतिकारियों की भगवत गीता बन गई थी। ये वही यशस्वी पुस्तक है जिससे पूरी फिरंगी सल्तनत इतना घबरा गई थी कि इसे प्रकाशन से पहले ही बैन कर दिया गया।
उस जमाने में इस पुस्तक को पढ़ लेना महापुण्य के समान था, और यही वो महापुण्य था जिसे प्राप्त करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान से लेकर सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता के दिव्य यज्ञ में आहुति बनने के लिए तड़प उठे। आप सोच रहे होंगे, जब पुस्तक प्रकाशित ही नहीं होने दी गई तो इन सब ने पढ़ी कैसे? हाथ से लिख लिखकर क्रांतिकारी इस पुस्तक की प्रतियां बनाते थे और आजादी के मतवालों में बांट दिया करते थे। क्या थी ये रहस्यमयी कार्यशैली जिसने किंग जॉर्ज और उनकी गोरी सेना को घुटनों पर ला दिया था, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए, काला पानी किसे कहते हैं। भारत रत्न पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, जो बरसों तक सड़े जेल में उनको याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनको याद करें, याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। काले पानी की सजा पाने वालों को अंडमान की सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया जाता था। वहां कैदियों से कैसा अमानवीय व्यवहार होता था, उसी से जानिए जिस पर बीती है। वीर सावरकर खुद लिखते हैं, सुबह उठते ही बंद कमरे के अंदर नारियल का तेल निकालने वाला कोल्हू चलवाया जाता था। कोल्हू चलाना इतना जटिल, इतना कठिन होता है कि बड़े बड़े पहलवान तक आधा चक्कर घुमाने में टूट जाते थे, और बाकी आधा चक्कर चलाने के लिए उन्हें कोल्हू के डंडे पर लटकना पड़ता था, क्योंकि हाथों में ताकत ही नहीं बचती थी। तब जाकर कहीं एक चक्कर पूरा होता था। अगर धोखे से, गलती से कोल्हू रुक गया तो पीछे खड़े अंग्रेज सिपाही कोड़े बरसाने लगते थे। दुर्गंध भरे उन अंधेरे कमरों में भीषण गर्मी होती थी, जिससे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ दो कटोरी पानी मिलता था। अगर गलती से तीन कटोरी पानी पी लिया तो उसके लिए अलग से कोड़े खाने पड़ते थे। नहाना तो बहुत दूर की बात थी, हफ्तों तक खड़े रखा जाता था। शौचालय में भी बैठना प्रतिबंधित था। कैदियों को अपने ही कक्ष में मल मूत्र त्यागना पड़ता था, और वे उसी के साथ रहने के लिए अभिशप्त थे, बाध्य थे। पृथ्वी पर अगर कहीं नरक था तो अंडमान की सेलुलर जेल में। वीर सावरकर ने राष्ट्र सेवा के लिए, आपकी और मेरी स्वतंत्रता के लिए, स्वर्ग से सुंदर हमारे भारत वर्ष के लिए यह नरक दंड 10 वर्षों तक भोगा था। अगर 10 वर्ष यातना सह ली तो फिर अंग्रेजों से माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आखिर सावरकर को काला पानी जैसा क्रूर दंड दिया क्यों गया था, यह सजा हुई क्यों थी। तारीख 11 जुलाई 1909, स्थान लंदन का जहांगीर हॉल। महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने फिरंगी अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इस घटना के बाद कुछ अंग्रेज भक्त, जो कि खुद भारतवासी थे, वाइली के लिए शोक सभाएं करने लगे, और उन सभाओं में मदन लाल ढींगरा जैसे जीवट क्रांतिकारी के लिए निंदा प्रस्ताव पास किए जाने लगे। सावरकर से ये अनर्थ देखा नहीं गया। उन्होंने खुलेआम डंके की चोट पर मदन लाल ढींगरा की प्रशंसा और निंदा करने वाले भारतीयों की भर्त्सना की। ढींगरा ने वाइली को मारकर वही किया जो सावरकर चाहते थे। सावरकर स्पष्ट कहते थे कि भारत वर्ष की संस्कृति, हमारा इतिहास दुनिया का सबसे पुराना और गौरवशाली इतिहास है। हम कभी पद दलित नहीं रहे, गुलाम नहीं रहे। मुगलों के बाद इन आततायी अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता को बंदी बनाया, इसलिए इनकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। हमारा इनका बराबरी का संबंध उसी दिन बनेगा जब ये हमारे देश को स्वतंत्र करके चले जाएंगे। जब बड़े बड़े नेता ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी की शपथ ले रहे थे, सावरकर ने यह घृणित शपथ लेने से साफ मना कर दिया। उसी दिन वो कंपनी सरकार की आंखों में चढ़ गए, गड़ गए। अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि कर्जन वाइली की हत्या सावरकर के आह्वान पर ही हुई है। बंदूक भले मदन लाल ढींगरा के हाथों में थी, लेकिन गोली चलाने वाले सावरकर थे। अपने ही बनाए कानून को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ लेने वाले फिरंगियों ने कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया और
23 जनवरी 1911 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अब अंग्रेज हुकूमत से सवाल कौन करता, कौन उनके न्याय को कटघरे में खड़ा करता। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सावरकर को सजा भारत में काटनी थी। पानी का जहाज उनको लेकर इंग्लैंड से भारत के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक पत्रकार ने सावरकर से पूछा, क्या तुम वही सावरकर हो जिसे ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है? सावरकर ने बड़े गर्व के साथ कहा, हां मैं वही राष्ट्रभक्त हूं। पत्रकार ने कहा, तुम्हारे दो भाई भी क्रांति के अपराध में जेलों में बंद हैं। सावरकर ने यह सुना तो बड़े जोर से हंसने लगे। पत्रकार बोला, तुमको सजा से डर नहीं लगता? तुम्हारे भाई जेलों में हैं, तुम भी जेल जा रहे हो, फिर भी हंस रहे हो, इसमें खुशी की कोई बात है क्या? वीर सावरकर ने कहा, मेरा पूरा परिवार राष्ट्र सेवा के काम आ रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। भारत पहुंचकर सावरकर पर फिर से मुकदमा शुरू हुआ और उन्हें 2 जन्मों के लिए यानी 50 साल के लिए काला पानी जैसी असाध्य सजा दे दी गई। सावरकर दुनिया के अकेले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें 2 आजीवन कारावास मिले थे। सजा सुनने के बाद वो हंसकर बोले, पुनर्जन्म को ना मानने वाले ईसाई मुझे 2 जन्मों की सजा दे रहे हैं, चलो अच्छा ही है, देर सवेर ही सही, इन बेचारों ने सनातन संस्कृति को स्वीकार तो किया। फैसले के तुरंत बाद सावरकर को अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल का कारावास काटने के लिए भेज दिया गया। आज तक हमें जिस माफीनामे या दया याचिका का पाठ पढ़ाया जाता है वो सिर्फ एक सामान्य सी याचिका थी, एक साधारण सा पिटिशन था जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों के लिए कानूनी विधान था। इस याचिका का एक फिक्स फॉर्मेट था जिसमें अपना नाम और कुछ अन्य जरूरी बातें लिखनी होती थी। पारिक घोष, जो कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे, सचिंद्र नाथ सान्याल जिन्होंने HRA का गठन किया था, इन सब ने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की थी और इनकी याचिकाएं स्वीकार भी हुई थी। जब ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए तब पूरी दुनिया में राजनीतिक बंदियों को अपने बचाव के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई थी। सावरकर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब जब सरकार ने सहूलियत दी, मौका दिया, तब तब मैंने याचिका दायर की, क्योंकि मेरा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। उन्होंने अपने छोटे भाई नारायण राव को जो पत्र लिखे उनमें भी अपनी पिटिशन के बारे में लिखा है, कभी कुछ छुपाया नहीं। और अगर फिर भी आप बाएं हाथ से लिखे हुए झूठे इतिहासों से प्रभावित हैं और आपको लगता है कि ऐसी याचिका दायर करना कोई शर्म की बात है, तो खुद अपने आप से पूछिए, अगर आप जेल में बंद हों बिना किसी अपराध के, निरपराध, मात्र एक राजनीतिक बंदी के रूप में, और सरकार आपको अपना बचाव करने का कोई एक मौका दे, तो आप क्या करेंगे? क्या बंधन से मुक्त होना नहीं चाहेंगे? शत्रु के खेमे में फंसे क्रांतिकारी या सैनिक को बिना राष्ट्रद्रोही हुए किसी भी मूल्य पर अगर जीवनदान मिल सकता है तो वो जीवनदान उसके बलिदान से भी बड़ा है, उससे ज्यादा मूल्यवान है। वीर सावरकर ने याचिका इसलिए दायर की थी कि कहीं वो भारत मां की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति डालने का कोई मौका चूक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका जीवन जेल की दीवारों में समाप्त हो जाए और स्वतंत्रता का महालक्ष्य अधूरा रह जाए। महात्मा गांधी ने 1920-21 में सावरकर के पक्ष में एक लेख लिखा था। गांधी लिखते हैं, सावरकर को चाहिए कि वो अपनी मुक्ति के लिए सरकार को याचिका भेजे, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। वीर विनायक दामोदर सावरकर को 1921 में 10 साल की सजा काटने के बाद सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि अंग्रेज सरकार पर उनका खौफ इस कदर हावी था कि अगले 16 वर्षों तक उनको महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नजर बंद रखा गया। 22 जून 1940 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर से बंबई में मिले और स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बात हुई। तब सावरकर ने ही नेताजी से कहा था, आप विदेश जाकर आजादी के लिए संगठन बनाइए। इसके बाद ही नेताजी अंग्रेजों को चकमा देकर अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी होते हुए जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज की बागडोर संभाली।
मैंने आपको सच बताया, सच को छुपाने के षड्यंत्र बताए, निष्कर्ष मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बार अपने आप से पूछिएगा, सावरकर ने 10 वर्ष काला पानी की सजा क्या किसी चारा घोटाले में काटी थी? क्या किया था सावरकर ने जो उन्हें काला पानी भेज दिया गया? सावरकर का सिर्फ एक अपराध था, भारत भक्ति। सोचिएगा कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले अनगिनत नेता ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जा बैठे और 10 साल काला पानी काटने के बदले हमने सावरकर को क्या दिया? महात्मा गांधी की हत्या का दोष। न्यायालय ने सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन हमने आज तक उन्हें कटघरे में खड़ा रखा है। हमें दुख होना चाहिए कि हमने अपने ही राष्ट्र नायकों पर प्रश्न चिन्ह उठाए। 1857 सैनिक विद्रोह नहीं, पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वर्षों के रिसर्च की बुनियाद पर यह किसने सिद्ध किया? सावरकर ने। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो 1907 में जर्मनी के स्टुवर्ड में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था, वो किसने बनाया था? सावरकर ने। तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को किसने दिया था? सावरकर ने। फिर भी आप सावरकर को नहीं मानते, ना मानिए, गांधी को मानते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में पहली बार पुणे में विदेशी कपड़ों की होली सावरकर ने जलाई थी। विरोध का यही तरीका 1921 में महात्मा गांधी ने अपनाया और पूरे भारत में स्वदेशी के समर्थन में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सावरकर को नहीं मानते, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। श्री बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर को छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार कहा था। महाराणा प्रताप को मानते हैं। राणा ने घास की रोटियां खाके मातृभूमि के लिए रण किया, सावरकर सेलुलर जेल में 2 कटोरी पानी पी के भारत मां के लिए लड़ते रहे। सावरकर कहते थे, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याह, ये भारत भूमि ही मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। आपने बड़े ध्यान और बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार।